हेलो स्टूडेंट, आज हम पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 30 ओम तथा 60 ओम प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधक पैरेलल में लगे हैं और 240 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, तब कुल प्रतिरोध और कुल करंट ज्ञात कीजिए। ये पैरेलल कनेक्शन का सर्किट डायग्राम दिया है। यहाँ पर आपके पास में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, एक 30 ओम का, दूसरा है 60 ओम का। 240 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है आपको, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। R1 दिया है आपका 30 ओम, R2 दिया है आपका 60 ओम। R1 का मतलब है यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। टोटल वोल्टेज दिए हैं आपको 240 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है और टोटल करंट ज्ञात करनी है। इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं। वन अपॉन टोटल आर इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। चूँकि इसमें दो ही रेजिस्टेंस दिए हैं इसलिए अपन प्लस में दो ही लिखेंगे। ज़्यादा रहते तो यहाँ पर प्लस वन अपॉन आर थ्री हो जाता, और रहते तो और जुड़ जाते। इसमें मान रखते हैं सूत्र में वन अपॉन आर वन का मान रखते हैं, यहाँ पे 30 दिया है आपको, 30 रखेंगे। आर टू का मान दिया है आपको 60। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकलेगा 60, इसमें इसका भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। दो का गुणा ऊपर वाली राशि के साथ में करेंगे तो दो ही आएगा। इसका भाग इसमें देते हैं, एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर वाली राशि से करेंगे तो एक ही आएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको प्लस करेंगे 3 आएगा, 160। चूंकि हमें टोटल आरटी निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको पल्टी कर देंगे। आरटी बराबर से हो जाएगा 60/3। इसको काटते हैं, आरटी कितना निकल गया आपका 20 ओम। चूंकि रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है इसलिए हम इसे ओम में लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, टोटल आई निकालने के लिए बोला है। इस सर्किट के टोटल करंट निकालना है आपको। करंट निकालने के लिए ओम के नियमानुसार सूत्र लगाएंगे। ओम के नियमानुसार एक सूत्र लगेगा आई निकालने के लिए, टोटल आई बराबर से वी अपॉन आर। ये सूत्र है टोटल करंट निकालने के लिए। इसमें मान रखते हैं टोटल वोल्टेज आपको कितनी दी है, 240 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस अभी आपने ज्ञात करी 20। इसको काटते हैं, कितना बचता है, आई बराबर से 12 एम्पियर। चूंकि करंट की इकाई एम्पियर होती है इसलिए इसे अपन एम्पियर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में जितना दिया था हमने उतना पूरा सॉल्व कर लिया है। इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं जो इसमें नहीं दिया है ज्ञात करने के लिए। इस सर्किट में चूँकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि इस सर्किट में टोटल आई निकालने के लिए जो टोटल आई होती है वो I1 प्लस I2, I1 और I2 इन दोनों का जब प्लस करते हैं तो टोटल करंट के बराबर होती है। परंतु इसमें वोल्टेज जो होती है, टोटल वोल्टेज किसके इक्वल में होगी, V1 इक्वल V2। मतलब इसमें वोल्टेज जो होती है वो सारे रेजिस्टेंसों में सेम होती है। आप जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में लगाओगे, दो या दो से अधिक जितने भी लगाओगे आप, सभी में वोल्टेज जो होगी वो टोटल वोल्टेज के समान ही होगी। अभी इस समय में 240 वोल्टेज यहाँ पर दी है, यहाँ पर भी 240 वोल्टेज होगी और
इस जगह पर भी, इस रेजिस्टेंस में भी 240 ही वोल्टेज आएगी। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले I1 निकाल लेते हैं। I1 का मान कितना निकलता है और I2 का मान कितना निकलता है, इन दोनों का प्लस किसके बराबर आना चाहिए, टोटल करंट के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं कि इन दोनों की करंट कितनी निकलती है, कि वाकई में ये दोनों को प्लस करने पर टोटल करंट के बराबर आती है या नहीं आती है। अपन ने टोटल करंट यहाँ पे 12 निकाली है, तो I1 का मान प्लस I2 का मान दोनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये इक्वल होता है या नहीं होता है। इसे निकालने के लिए फिर से सूत्र लगाते हैं ओम के नियमानुसार। चूँकि हमें I1 निकालना है, इसलिए I1 इक्वल वी अपॉन R1। चूँकि हमें 30 ओम के लिए करंट निकालना है, इसमें 30 ओम में कितनी करंट बही है उसके लिए निकालना है, तो हम कौन सा वाला मान रखेंगे, R वाला 30 ओम रखेंगे। और वोल्टेज कौन सी रखेंगे, 240, क्योंकि सभी में वोल्टेज जो होती है वो एक समान होती है, इसलिए हम 240 वोल्टेज ही रखेंगे। I1 इक्वल 240 अपॉन R1 का मान रखेंगे 30। इसको काटते हैं कितना आएगा, 8 एम्पियर। I1 का मान कितना निकला, 8 एम्पियर। उसी तरीके से I2 भी निकालेंगे। I2 के लिए भी यही वाला सूत्र लगाएंगे, I2 इक्वल भी अपॉन R2। चूँकि हम ये वाले रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, मतलब 60 ओम रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो I2 इक्वल कौन सा मान रखेंगे, V का मान रखेंगे 240 और R का मान कौन सा रखेंगे, 60 ओम। कितना एम्पियर आया, 4 एम्पियर। मान निकल गए, I1 का मान निकला 8, I2 का मान निकला 4। देखते हैं I1 प्लस I2 करने पर टोटल करंट के बराबर आती है या नहीं आती है। मान रखते हैं टोटल I बराबर से I1 का मान रखते हैं 8 प्लस I2 का मान रखते हैं 4, आ गए आपके 12 टोटल करंट। तो आपने इस पॉइंट को सिद्ध किया, इस पैरेलल कनेक्शन में ये पॉइंट होता है जिसको आपने अभी सिद्ध किया, कि वाकई में टोटल करंट जो होती है इन दोनों का प्लस करने के बराबर होती है, ये दोनों के टोटल के बराबर होती है। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, कि 30 ओम वाले में वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है और 60 ओम वाले में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है। आपको अभी बताया कि इस पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो होती है सभी में सेम होती है, तो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं कि वाकई में इसमें 240 वोल्टेज आती है, इसमें 240 वोल्टेज आती है क्या, उसे भी हम सिद्ध कर लेते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट आपको सिद्ध करना है, टोटल वोल्टेज बराबर से V1 इक्वल V2। इसे हम सिद्ध करने के लिए V1 भी निकाल लेते हैं और V2 भी निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से एक सूत्र लगाना है, ओम के नियमानुसार ही ये सूत्र है, जिसके लिए आपको V1 निकालना है। V1 निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा, I1 इंटू R1। आपको I1 का मान रखना है और R1 का मान रखना है। V1 इक्वल I1 का मान आपने कितना निकाला है, 8 एम्पियर। और R1 का मान कौन सा रखेंगे आप, चूंकि हम 30 ओम के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए 30 रखेंगे। V1 आपका कितना निकल गया, 240 वोल्ट आया आपका V1। वैसे ही आपको V2 भी निकालना है, V2 के लिए भी यही वाला सूत्र लगेंगे, I2 इंटू R2। V2 इक्वल I2 का मान रखेंगे और R2 का मान रखेंगे। I2 का मान निकला था 4 और R2 का मान रखेंगे 60 ओम, क्योंकि आप 60 ओम के लिए निकाल रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप कितना है। V2 कितना हो जाएगा आपका 240 वोल्ट। तो इससे आपका ये पॉइंट भी सिद्ध हो गया कि 240 जो टोटल वोल्टेज आपको दी है उतना ही वोल्टेज
60 ओम वाले में भी जाएगा और उतना ही वोल्टेज जो होगा वो 30 ओम वाले में भी होगा, जो आपने यहाँ पर अभी सिद्ध किया। इस प्रकार से पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है आपको यहाँ पर लिखना है, क्या ज्ञात करना है वो आपको इसके नीचे लिखना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम बना हुआ आता है और उसमें पूछता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी या टोटल करंट कितनी होगी। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि चित्र आपके पास पहले से होता है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। बट हमने यहाँ पर सॉल्व करते समय इस चित्र को बनाया, क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना ही दिया हुआ था। चूँकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में हमने इस प्रकार से इसका कनेक्शन करके इसको बनाया है। इसके बाद आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। इस सूत्र की सहायता से आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है। आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बोला है तो आपको इसको पलटना है, ना कि 1/RT ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको इसको अगर आप पलटते हो तो आपको इसे भी पलटना है, या आप त्रियक गुणा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसमें टोटल करंट ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो टोटल करंट ज्ञात करने का सूत्र होता है ओम के नियम अनुसार I=V/R। I करंट है आपकी, तो जो टोटल करंट होती है वो इस प्रकार से निकाली जाती हैं। टोटल वोल्टेज का मान रखना है और टोटल रेजिस्टेंस का मान रखना है, तभी आप इस सर्किट का टोटल करंट ज्ञात कर पाओगे। इस प्रकार से आपने उस सर्किट का टोटल करंट ज्ञात किया। इसके बाद में इस सर्किट में कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको सिद्ध करना है। वैसे दिया नहीं है क्वेश्चन में आपको, फिर भी हमने इसे सिद्ध किया है। इस सर्किट में पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, टोटल करंट जो होती है वो जितनी भी करंट होती है, जितने रेजिस्टेंस होते हैं उनमें जो करंट बहती है उन सबका प्लस होती है, प्लस के बराबर होती है। तो ज़रूरी नहीं कि दो ही रेजिस्टेंस लगे हों, दो से ज़्यादा भी लगे हो सकते हैं, आपको सभी को फिर प्लस करना है। I1+I2 और लगे होते तो आपको +I3 करना होता। इस प्रकार से आपको दोनों को प्लस करके वो टोटल करंट के बराबर आती है, ये आपको सिद्ध करना है। वैसे ही एक पॉइंट आपको और सिद्ध करना है कि इस पैरेलल सर्किट में टोटल वोल्टेज जो होती है वो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सभी में वोल्टेज सेम होती है, एक समान होती है। 240 टोटल वोल्टेज दी है तो 60 ओम वाले में भी 240 ही आएगी, 30 ओम वाले में भी 240 ही आएगी। ये कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों सब में सेम वोल्टेज आएगी। इसको भी आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसको सिद्ध किया तो I1 निकाल के देखा सबसे पहले, मतलब ये वाली करंट निकाल के देखा। उसके लिए यही वाला सूत्र लगाना है आपको, V/R1 मान रखते हैं, टोटल वोल्टेज का मान रखेंगे, R1 का मान रखेंगे। इस प्रकार से आपको I1 का मान पता चल जाएगा। उसी प्रकार से आपको I2 ज्ञात करना है। I2 निकालने के लिए आपको V/R2 रखना है सूत्र, मान रखना है, R2 का मान दिया है आपका 60 ओम, इस प्रकार से मान रखेंगे तब आपका I2 निकल जाएगा। I2 आपका निकला 4। इसके बाद अब देखते हैं, जब आपका I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे मान रखा, प्लस किया, इसको सिद्ध किया, तो वाकई में हो गया। ठीक है, I1 का मान रखा, I2 का मान रखा, दोनों को प्लस किया तो किसके इक्वल में आई, टोटल करंट के इक्वल में आई। इसी प्रकार से हम दूसरा टॉपिक सिद्ध कर लेते हैं, VT का मान सिद्ध कर लेते हैं, मतलब टोटल वोल्टेज सिद्ध कर लेते हैं कि टोटल वोल्टेज के बराबर में ये दोनों की सेम वोल्टेज आती है या नहीं आती है, दोनों ही इक्वल में आते हैं या नहीं आते हैं। इसको देखने के लिए हम फिर से एक ओम के नियमानुसार ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, V1 निकालेंगे और V2 निकालेंगे। V1 निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे, इसमें I1 का मान 8 रखेंगे, R1 का मान रखेंगे, इस प्रकार से आपका V1 निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको V2 भी निकालना है। V2 निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, R2 का इस्तेमाल करेंगे और I2 का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से आपका V2 निकल जाएगा। यहाँ पर आपने देख लिया कि 240 V2 भी आ गई और यहाँ पर V1 भी आपकी कितनी आई, 240 आ गई। तो ये आपका ये भी सिद्ध हो गया कि तीनों ही एक दूसरे के
इक्वल में है। आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।